गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संप्रभुता। संप्रभुता, जब एक राज्य का निर्माण होता है उसके लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व चाहिए। राज्य का निर्माण होता है जनसंख्या, स्थायी भूभाग, सरकार, संप्रभुता, इनसे राज्य का निर्माण होता है। और संप्रभुता राज्य के निर्माण में मुख्य तत्व है। संप्रभुता के बिना किसी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो यह कहा जाता है कि संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, जो राज्य और अन्य समुदायों के बीच भेद स्थापित करता है। जो और समुदाय हैं, उनके पास संप्रभुता नहीं होती। संप्रभुता केवल किसके पास होती है? संपूर्ण राज्य में, राज्य के पास। संगठन और भी होते हैं, एक राज्य में अनेकों संगठन होते हैं, लेकिन संप्रभुता किसको प्राप्त होती है? राज्य। प्रभुसत्ता के कारण ही राज्य देश में सर्वोच्च होता है। आंतरिक रूप से भी सर्वोच्च होता है और बाह्य रूप से भी हमें हमारी नीतियों के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। संप्रभुता का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है कि हम आंतरिक दृष्टि से भी स्वतंत्र हैं और बाह्य दृष्टि से भी स्वतंत्र हैं। राजनीतिक चिंतकों का मत यह है कि संप्रभुता जब तक आंतरिक दृष्टि से भी पूर्ण ना हो तो एक राज्य ठीक से काम नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रभुसत्ता को कानूनी रूप से होने के साथ व्यवहारिक रूप से भी प्रभुसत्ता का होना बहुत आवश्यक है, तभी एक सही राज्य का निर्माण हो सकता है। अब हम देखते हैं कि संप्रभुता की परिभाषाएं क्या हो सकती हैं, संप्रभुता का अर्थ क्या है, सामान्य भाषा में हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो संप्रभुता अंग्रेजी के पर्यायवाची शब्द सॉवरेंटी शब्द और ये लैटिन भाषा के शब्द से इसका जन्म हुआ है। सॉवरेंटी, सॉवरेनिटी शब्द से ये कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेनिटी। इसका जन्म किससे हुआ है? लैटिन भाषा का शब्द है सुपर और एनस, सुपर और एनस, इससे इस शब्द का जन्म हुआ है। तो सामान्यतः प्रभुसत्ता सबसे बड़ी शक्ति को कहते हैं। प्रभुसत्ता, ये जो सुपर एनस लैटिन भाषा का शब्द है, सबसे बड़ी शक्ति। तो राज्य में एक ऐसी शक्ति होनी आवश्यक है, अन्यथा हर व्यक्ति और समूह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। यदि हमें एक राज्य का निर्माण करना है तो किसी न किसी संगठन के पास वो शक्ति होनी चाहिए जो सर्वोच्च हो, जिसका जिसकी आज्ञाओं की कोई अवहेलना न कर सके, उस शक्ति का होना आवश्यक है। आंतरिक दृष्टि से भी वो सर्वोच्च हो और बाह्य दृष्टि से भी उस पर किसी का आधिपत्य नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे?
सोवरन कंट्री। जैसे मैंने आपको अनेकों बार ये उदाहरण दिया है कि क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं थी। हम किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। इसलिए जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हम आंतरिक दृष्टि से भी हमने अपने संविधान का निर्माण किया, हमने अपने संविधान का निर्माण किया जिसके अनुसार हमारे राज्य को, हमारे राष्ट्र को हम संचालित करेंगे। और बाह्य दृष्टि से भी अब हमें कोई भी राष्ट्र अपने कानून या अपने नियम मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो सॉवरेनिटी का तात्पर्य क्या हुआ कि जो राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से भी स्वतंत्र है और बाह्य दृष्टि से भी स्वतंत्र है, जिस पर किसी का कोई आधिपत्य नहीं है। तो सॉवरेनिटी कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति। तो संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान में बहुत विवादास्पद रहा है। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे विषय हैं। तो राजनीति विज्ञान में संप्रभुता भी एक ऐसा विषय है जिस पर विद्वानों में मत वैभिन्न है। तो राजनीति विज्ञान में संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च सत्ता। जब हम पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो जो मैंने आपको कहा कि लैटिन भाषा में सुपर एनस, लैटिन भाषा का शब्द है सुपर प्लस एनस, सर्वोच्च शक्ति, जिससे अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या बना? सॉवरेनिटी। तो जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर विद्वानों में मत वैभिन्न है। प्रत्येक विद्वान अपने अनुसार उसकी व्याख्या करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये वो शक्ति है जिसकी अंतिम अभिव्यक्ति राज्य, पुलिस और सेना के द्वारा होती है। सॉवरेनिटी किसके हाथ में होती है? राज्य के हाथ में होती है। सॉवरेनिटी किसी संगठन के हाथ में नहीं होती, राज्य के हाथ में होती है। और राज्य उसका प्रयोग किसके द्वारा करता है? राज्य उसका प्रयोग करता है पुलिस प्रशासन के द्वारा करता है। और बाह्य शांति और व्यवस्था के लिए वो किसके द्वारा उसका प्रयोग करता है? सेना के द्वारा उसका प्रयोग करता है। तो आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में इस सत्ता की आज्ञाओं का विरोध और कोई व्यक्ति या संघ नहीं कर सकता। संप्रभुता का विरोध राज्य में कोई भी अन्य संगठन नहीं कर सकता। संप्रभुता सर्वोच्च है, संप्रभुता सर्वोच्च है। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं जिनसे हमें संप्रभुता का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बोदा ने संप्रभुता की परिभाषा दी और वो कहते हैं कि प्रभुसत्ता नागरिक तथा प्रजा के ऊपर वो उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। संप्रभुता क्या है? उच्चतम शक्ति। राज्य में संप्रभुता क्या है? उच्चतम शक्ति जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। पहली बात तो ये, बोदा क्या कहते हैं कि संप्रभुता उच्चतम शक्ति है। फिर दूसरी बात, जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। राज्य अपने आप में स्वयं ही क्या है? सर्वोच्च है। राज्य के ऊपर अन्य कोई शक्ति उस पर नहीं है।
फिर हम परिभाषा देखते हैं ग्रोशियस की। किसकी परिभाषा है? ग्रोशियस की परिभाषा है, तो ग्रोशियस कहते हैं प्रभुसत्ता वह उच्चतम शक्ति है जो शक्ति में निहित होती है। प्रभुसत्ता क्या है? उच्चतम शक्ति है, प्रभुसत्ता से ऊपर कोई नहीं है। और किसमें निहित होती है? शक्ति में निहित होती है। और जिसके कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा शून्य करार नहीं कर सकती, चाहे कोई भी व्यक्ति हो और कितना भी शक्तिशाली हो, प्रभुसत्ता की इच्छाओं को कोई शून्य नहीं कर सकता। राज्य की इच्छा से ऊपर कोई इच्छा नहीं होती और राज्य की इच्छा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये परिभाषा किसकी है? ग्रोशियस की। अब हम देखते हैं कि जेलिनेक ने क्या कहा। तो जेलिनेक कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की वो विशेषता है जिसके कारण राज्य पर उसकी इच्छा के अलावा और कोई बंधन लागू नहीं होता। जेलिनेक ने बहुत सरल परिभाषा दी कि संप्रभुता राज्य की वो विशेषता है, संप्रभुता राज्य की वो विशेषता है जिसके कारण राज्य पर उसकी इच्छा के अलावा अन्य कोई प्रतिबंध नहीं होता, जिसे स्वयं की शक्ति के अतिरिक्त अन्य शक्ति द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। राज्य को यदि ये राज्य की क्या है? सर्वोच्च इच्छा। संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च इच्छा, जिसे स्वयं की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई भी उसको बाध्य नहीं कर सकता। बर्गेस ने अपने अनुसार संप्रभुता की इच्छा दी। तो बर्गेस कहते हैं संप्रभुता व्यक्तियों उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक निरपेक्ष और असीमित शक्ति है। बर्गेस भी क्या कहते हैं कि ये राज्य की असीमित शक्ति है, राज्य की असीमित शक्ति है किस पर? व्यक्तियों पर, जो व्यक्ति वहां निवास करते हैं। डुग्वे ने संप्रभुता की परिभाषा दी। तो डुबे कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है। संप्रभुता क्या है? राज्य की आदेश देने की शक्ति। भाई यदि संप्रभुता नहीं होगी तो आप, यदि किसी राज्य के पास संप्रभुता नहीं है तो आप उसके आदेशों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं हो। आप उसके आदेशों को पालन करने के लिए बाध्य तभी हो जब आपके पास क्या है? संप्रभुता। जब आपके पास क्या है? संप्रभुता। तो इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की इच्छा होती है। ये वो अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। संप्रभुता राज्य का वो अधिकार है कि उस राज्य में जो नागरिक निवास करते हैं संप्रभु उनको असीमित आदेश दे सकता है। विल्लोबी ने इसकी परिभाषा दी कि सॉवरेंटी क्या है। तो विल्लोबी कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोत्तम इच्छा होती है। उन्होंने सर्वोच्च तो कहा लेकिन साथ में किस शब्द को जोड़ दिया? सर्वोत्तम, कि सबसे अच्छी इच्छा है राज्य की संप्रभुता। जैक्स ने परिभाषा दी, वो कहते हैं संप्रभुता वो अंतिम और अमर्यादित अधिकार है जिसकी इच्छा द्वारा ही नागरिक कुछ कर सकते हैं। संप्रभुता क्या है? अमर्यादित अधिकार। किसका है? राज्य का। राज्य का अमर्यादित अधिकार है
जिसकी इच्छा के द्वारा ही नागरिक कुछ कर सकते हैं। यदि संप्रभुता नहीं होगी तो नागरिक कुछ भी नहीं कर सकते। पोलक ने कहा है कि संप्रभुता वो शक्ति है जो न तो अस्थाई होती है और न किसी अन्य के द्वारा प्रदान की जाती है। संप्रभुता न तो अस्थाई है, यदि किसी राष्ट्र को वो स्वतंत्र है तो उसकी संप्रभुता समाप्त नहीं हो सकती। उसकी संप्रभुता तभी समाप्त होगी जब उस राज्य पर किसी अन्य राज्य का आधिपत्य हो जाए। जैसे भारत पर अंग्रेजों का राज्य हो गया था तो हमारी संप्रभुता समाप्त हो गई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता ऐसी शक्ति है जो न तो अस्थाई होती है न किसी अन्य के द्वारा प्रदान की भी होती है। राज्य स्वयं प्राप्त करता है अपनी संप्रभुता को और न ही किसी विशिष्ट बंधनों से बंधी हुई होती है। जब हम सोवरन हैं तो हमारे ऊपर वही नियम लागू होते हैं जिनकी पालना हम करते हैं, जिन्हें स्वयं में बदल सके और जो पृथ्वी पर अन्य किसी भी शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं हो। पोलक ने बहुत बड़ी बात कही कि सोवरेनिटी जिस राज्य के पास है वो राज्य पृथ्वी पर अन्य किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र है, उसके पास अपनी संप्रभुता है। तो इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो एक स्वतंत्र राज्य के पास होती है और जिस राज्य के पास संप्रभुता होती है वो आंतरिक दृष्टि से भी सर्वोच्च होता है और बाह्य दृष्टि से भी सर्वोच्च होता है। तो लास्की ने कहा है कि राज्य अपने प्रदेश में स्थित सभी व्यक्तियों और व्यक्ति समुदायों को आदेश देता है और इनमें से किसी से किसी के भी द्वारा वो आदेश प्राप्त नहीं करता। भारत राज्य में जितने भी संगठन हैं, व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, समूह हैं, समुदाय हैं, सभी राज्य के अधीन हैं। तो जहां संप्रभुता होती है वहां राज्य सभी को आदेश दे सकता है और किसी से उसे आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये कहा जाता है कि प्रभुसत्ता के दो पक्ष हैं, जो हमने जितनी भी परिभाषा अभी प्रभुसत्ता की देखी, आंतरिक प्रभुसत्ता। तो आंतरिक प्रभुसत्ता से हमारा तात्पर्य है कि राज्य अपनी भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले सभी नागरिकों में सर्वोच्च है। जैसे भारत की जो टेरिटरी है, भारत की जो सीमाएं हैं, तो ये कहा जाता है कि अपनी सीमा में भारत राज्य जहां जिसको हमें सॉवरेंटी प्राप्त है तो भारत क्या है, सर्वोच्च है। तो गार्डनर ने इसी विषय पर एक अपना मत प्रकट किया। तो गार्डनर कहते हैं कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है। आप ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में तो संप्रभुता है पंजाब में नहीं है, या राजस्थान में तो संप्रभुता है लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। नहीं, जो भी हमारा क्षेत्रफल है जो भारत के अंतर्गत आता है तो संप्रभुता वहां संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। भारत राज्य में जो भी लोग निवास करते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे सी हो, चाहे जेड हो,
सभी व्यक्ति उस संप्रभुता के क्या हैं, अधीन है। दूसरी प्रभु सत्ता है, ये कौन सी थी? आंतरिक। आपके जो छोटे प्रश्न आते हैं उसमें ये प्रश्न आ सकता है कि आंतरिक प्रभु सत्ता क्या होती है और बाह्य प्रभु सत्ता क्या होती है। तो बाह्य प्रभु सत्ता के संबंध में कहा जाता है कि राज्य अपनी विदेश नीति बनाने, विदेशों से संबंध स्थापित करने में क्या है? स्वतंत्र। राज्य अपनी विदेश नीति का निर्माण करने में, विदेशों से संबंध बनाने में स्वतंत्र है। लास्की प्रभु सत्ता को स्वतंत्र राष्ट्रों की इच्छा व्यक्त करने वाली शक्ति बतलाते हैं, जिस पर किसी बाह्य शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बाह्य संप्रभुता से हमारा तात्पर्य क्या है? बाह्य दृष्टि से हम किसी बाह्य शक्ति के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम अपने आदेशों को, हमारे स्वयं के आदेशों को मानने के लिए बाध्य हैं। अन्य कोई राष्ट्र किसी भी प्रकार से हमें कोई आदेश मानने के लिए नहीं कह सकता। हम किसी नीति का पालन करते हैं तो वो हमारी स्वयं की नीति होगी। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, विदेश संबंधों में किन देशों से कैसे संबंध रखेंगे, हम क्या करेंगे, हमें कौन सी नीतियों को अपने देश के लिए निर्धारित करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? हम स्वयं डिसाइड करेंगे। अन्य कोई राष्ट्र हमारी बाह्य नीतियों पर किसी का आधिपत्य नहीं है। हमारे राज्य का आधिपत्य हम स्वयं है। आंतरिक दृष्टि से भी हम स्वतंत्र हैं और बाह्य दृष्टि से भी हम स्वतंत्र हैं। फिर हम देखते हैं उसके बाद संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो संप्रभुता का लक्षण है वो है निरंकुशता। इस लक्षण से हमारा तात्पर्य है कि जनता के लिए राज्य की शक्ति से बढ़कर कोई अन्य शक्ति न राज्य के भीतर है और न राज्य के बाहर है। जनता के लिए, जो जनता इस देश में निवास, हम भारत का ही उदाहरण लेते हैं तो भारत में जो लोग निवास करते हैं, जो नागरिक हैं भारत के, तो भारत के नागरिक उनके लिए राज्य की शक्ति से बढ़कर अन्य कोई शक्ति न तो राज्य के भीतर है और न राज्य के बाहर है। कोई भी बाह्य शक्ति राज्य को या नागरिकों को, बाह्य शक्ति कोई बाध्य नहीं कर सकती किसी भी नियम को या नीति को पालन करने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि यह शक्ति स्वयं ऐसी मीत है। संप्रभुता को क्या माना जाता है कि संप्रभुता स्वयं में क्या है? ऐसी मीत है। इस पर किसी का कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं है, अनलिमिटेड है राज्य के अंदर। दूसरी विशेषता आती है इसकी स्थायित्व। दूसरी विशेषता क्या है? स्थायित्व। तो प्रभुसत्ता एक स्थायी वस्तु है। प्रभुसत्ता क्या है? एक स्थायी वस्तु। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक उसका पाया जाना आवश्यक। जब तक एक राज्य, यहां आप प्रांत से कंफ्यूज मत कर लेना, प्रांत तो एक संघ की इकाइयों को कहा जाता है। जैसे आप कहोगे राजस्थान राज्य, तो राजस्थान प्रांत है,
भारत राज्य है। हम सामान्य भाषा में इस बात का प्रयोग कर लेते हैं राज्य का, लेकिन राज्य किसको कहते हैं जो सोवरन हो। तो इसलिए ये हमारे संघ की इकाइयां हैं, ये जो भी आपके जितने भी स्टेट्स हैं जिनको हम प्रांत कहते हैं। इसलिए संप्रभुता क्या है? स्थाई है, राज्य की आत्मा होने के कारण उसे राज्य का जीवन कहा जा सकता है। जैसे व्यक्ति का यदि हृदय काम करना बंद कर दे तो वो क्या हो जाएगा? प्राणहीन हो जाता है। तो हमारी सॉवरेंटी, हमारे जो मानव शरीर है उसकी सॉवरेंटी किसमें है? हमारे प्राण शरीर हृदय। जिस दिन हृदय काम करना बंद कर देता है उस दिन हमारी सॉवरेंटी समाप्त हो जाती है, हमारा एक मनुष्य के रूप में कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो उसी प्रकार से राज्य का अस्तित्व भी तब तक रहता है जब तक उसके पास क्या है? संप्रभुता। सरकारें बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य प्रांत हो। तो सरकारें पहले कांग्रेस की 30 साल तक अनवरत केंद्र में कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद हमारे देश में परंपरा चल गई मिलीजुली सरकारों की। तो सरकारें बदलती रहती हैं। अभी केंद्र में डेफिनेटली आप किसी भी कंट्री में जाओगे, तो पूनम ने एक प्रश्न पूछा है कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें उस कंट्री के रूल को फॉलो करना पड़ता है। डेफिनेटली करना पड़ता है। आप दूसरी कंट्री में जाके तो आपको बहुत ज्यादा आप बंधे हुए होते हो भाई। आप वहां के कानूनों का पालन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? अपने देश के कानूनों को पालन करना पड़ता है। हमारे पास पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, और यदि हम वहां कोई गलत काम करते हैं तो हमारा वीजा तुरंत समाप्त हो जाता है। हाँ, तो इसलिए यदि संप्रभुता समाप्त होती है तो राज्य भी समाप्त हो जाता है। तो जैसे अपन ये देखते हैं राजतंत्र में, राजतंत्र में सर्वोच्च कौन है? राजा। तो माना एक राजा की मृत्यु हो गई तो क्या उनकी संप्रभुता समाप्त हो गई क्या? नहीं, वो तुरंत किसके पास आ जाएगी? उत्तराधिकारी। एक राजा चला गया तो ये नहीं है कि उस राज्य की संप्रभुता समाप्त हो गई, वो तो एक मनुष्य की मृत्यु है। वो क्या है? एक मनुष्य की मृत्यु है। राज्य तो सोवरन है ही भाई, राजा तो एक शक्ति का प्रतीक था, राजा एक शक्ति का प्रतीक था। तो इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता तो अमर है जब तक राज्य स्वतंत्र है। जब तक राज्य स्वतंत्र है तब तक संप्रभुता अमर है। संप्रभुता का कोई जिसको कहते हैं कि बाल भी बांका नहीं कर सकता। इंग्लैंड में आज भी राजतंत्र है, और इंग्लैंड में ये कहा जाए यदि राजा की डेथ हो जाती है, अभी महारानी की डेथ हुई थी इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में ये कहा जाता है कि राजा चिरायु हो, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। कि राजा की मृत्यु हो गई लेकिन लॉन्ग लिव द किंग, क्योंकि उनकी सॉवरेंटी तो है ना। सॉवरेंटी किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ राज्य की सॉवरेंटी समाप्त नहीं होती। तो स्थायित्व से जो हमारा तात्पर्य है वो ये है,
कि जब तक राज्य काम कायम रहता है तब तक प्रभु सत्ता भी रहती है। यदि राज्य है तो प्रभु सत्ता रहेगी, प्रभु सत्ता समाप्त हो गई तो कोई भी राज्य का अस्तित्व नहीं रहता। जब तक राज्य का अस्तित्व रहेगा तब तक प्रभु सत्ता भी रहेगी। अगली विशेषता है सर्व व्यापकता। सर्व व्यापकता, तो इससे हमारा तात्पर्य है कि प्रभु सत्ता का प्रभाव राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी मनुष्यों, समुदायों और व्यक्तियों पर होता है। माना ये राज्य की सीमा है, तो यहां पर ये जितने भी स्टेट्स है, इस सीमा के अंदर जितने भी नागरिक है और जितने भी प्रांत है, सभी के ऊपर संप्रभुता लागू होगी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम संप्रभुता का पालन नहीं करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है, अंग्रेजी में जो शब्द है सर्वव्यापकता के लिए वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो प्रभुसत्ता का प्रभाव राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी मनुष्यों और समुदायों और व्यक्तियों पर होता है। संप्रभुता का प्रभाव राज्य की सीमा के अंदर सभी मनुष्यों पर, सभी व्यक्तियों पर, सभी नागरिकों पर, सभी समूहों पर, सभी संगठनों पर, सभी पर इसका प्रभाव होता है। राज्य का कोई भी भाग, व्यक्ति या संस्था उसके प्रभाव और अधिकारों से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे हमारी विचारधारा राज्य से मिले, चाहे हमारी विचारधारा राज्य से ना मिले, यदि हम उस राज्य में निवास करते हैं तो हमें राज्य की संप्रभुता को मानना होगा। इसलिए कहा जाता है जैसे विदेशी राजदूत या राजदूतवास हैं, ये अपने राज्य के भीतर से गुजरती विदेशी सेनाएं, व्यापारिक प्रतिनिधि आदि को अंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार के कारण संप्रभुता से कुछ रियायतें प्राप्त हो सकती हैं। जब कुछ विदेशी दूतावास के लोग हमारे यहाँ रहते हैं तो उन्हें हल्की फुल्की थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, राज्येतर संप्रभुता का सिद्धांत, राज्य प्लस उत्तर संप्रभुता का सिद्धांत। लेकिन इनको जब चाहे तब राज्य वापस भी ले लेता है, यदि उनको कोई छूट भी देता है तो राज्य जब चाहे तब उनको वापस भी ले लेता है। उसके बाद जो अगली विशेषता है वो है नंबर 4, अदेयता। अदेयता प्रभुसत्ता को राज्य को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं, तो शरीर क्या हो जाता है, निर्जीव, मिट्टी हो जाता है ना। ये तो ठीक है कि हम उसको उसका दाहकर्म संस्कार कर देते हैं, वरना वो अपने आप ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि राज्य से सत्ता को पृथक कर दिया जाए तो राज्य का अंत हो जाता है। यदि राज्य से संप्रभुता को अलग कर दिया जाए तो ये कहा जाता है कि राज्य का अंत प्रारंभ हो जाता है। इसलिए संप्रभुता के लिए, राज्य के लिए संप्रभुता का होना आवश्यक है। राज्य का जीवन तभी तक है जब तक क्या है, संप्रभुता है। फिर इसकी अगली विशेषता आती है
एकत्व, इनविजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी, एकत्व, प्रभुसत्ता एक होती है अनेक नहीं होती, प्रभुसत्ता को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। तो इसका अभिप्राय यह है कि राज्य में कोई समानांतर सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता नहीं हो सकती, एक राज्य में संप्रभुता एक ही होती है। एक राज्य में दो राज्य नहीं हो सकते कि आधे राज्य को दूसरी सरकार चला रही है, आधे हिस्से को दूसरी सरकार। प्राण एक होते हैं, प्राण कितने होते हैं, एक होते हैं, हाथ दो हो सकते हैं, प्राण तो एक ही है। उसी तरीके से राज्य में संप्रभुता एक होती है, उसकी जो टेरिटरी है, उसका जो क्षेत्रफल है, उसमें वो एक ही संप्रभुता होगी। तो रूसो ने कहा है कि प्रभुसत्ता का विभाजन एक धोखा है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमने प्रभुसत्ता का विभाजन कर दिया, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक रूसो वो कहते हैं कि ये क्या है, एक धोखा। गेटल कहते हैं जहां तक प्रभुसत्ता अनियंत्रित नहीं है, जब तक प्रभुसत्ता अनियंत्रित नहीं है वह राज्य का अस्तित्व भी नहीं है। यदि प्रभुसत्ता विभाजित है तो एक से अधिक राज्य हैं, वह स्पष्ट कहते हैं कि विभाजित प्रभुसत्ता अपने आप में एक विरोधाभास है। प्रभुसत्ता विभाजित नहीं हो सकती, यदि प्रभुसत्ता विभाजित होगी तो वो उतने ही राज्यों का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुसत्ता एक ही होती है, तो प्रभुसत्ता कोई देखने वाली चीज नहीं है कि भाई ये प्रभुसत्ता ये दिखाई दे रही है, सरकारें दिखाई देती है, सरकार दिखाई देती है, राज्य दिखाई देते हैं, राज्य का क्षेत्रफल दिखाई देता है, लेकिन उनके जो जान और प्राण है, सॉवरेंटी, उसको हम देख नहीं सकते, उसको अनुभव किया जा सकता है। प्रभुसत्ता के एकत्व के संबंध में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। कैसे? तो लॉवेल कहते हैं कि एक प्रदेश में दो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्तियां हो सकती है। प्रोफेसर लॉवेल ने कहा कि एक देश में दो प्रभुत्व संपन्न शक्तियां हो सकती हैं, जैसे हमारे संघात्मक शासन प्रणाली में होता है कि केंद्र सरकार भी है और राज्यों की सरकारें भी हैं। लॉर्ड ब्राइस का ये मत है कि एक राज्य में दो सत्ताएं हो सकती हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो विद्वान वस्तुतः राज्य और शासन के भेद को उन्होंने नहीं माना। राज्य में दो प्रभु सत्ता नहीं हो सकती, राज्य में कार्यों के बंटवारे के लिए, शक्तियों के विभाजन के लिए संप्रभुता को या शक्तियों को दिया जाता है अन्य लोगों को, लेकिन संप्रभुता का विभाजन नहीं होता, वो शक्तियों का विभाजन होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि संघीय शासन व्यवस्था में संप्रभुता का विभाजन नहीं होता, जो कि समस्त राज्य में निहित है, वहां केवल शक्तियों का विभाजन होता है और वो भी वैधानिक रीति नीति से होता है। जब केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सूची के विषय, यदि ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि राज्य सूची में कोई विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसे केंद्र सूची में लिया जा सकता है, सब्जेक्ट्स का ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि हमारे जो विषय हैं वो सब संविधान के द्वारा उनका विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची,
लेकिन फिर भी यदि कभी ऐसी हमें ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्र पर कोई खतरा है और राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र को कानून निर्माण करने की आवश्यकता है, तो उस विषय को राज्य सूची से संघ सूची में लिया जा सकता है। फिर है उसकी अगली विशेषता मौलिकता। प्रभुसत्ता क्या होती है? मौलिक होती है, ये किसी के द्वारा प्रदान नहीं की जाती। प्रभुसत्ता का अस्तित्व स्वयं में अपने आप ही अधिकार से है। यदि ये किसी के द्वारा प्रदत्त है तो प्रदत्त करने वाली शक्ति उससे उच्चतर हो जाएगी। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास प्रभुसत्ता नहीं थी, हम अंग्रेजों के आदेशों का पालन करते थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो हम आंतरिक दृष्टि से भी स्वतंत्र हो गए और बाह्य दृष्टि से भी स्वतंत्र हो गए। हम अपने आंतरिक शासन को चलाने के लिए स्वयं ही नियमों का निर्माण करते हैं और बाह्य विषयों पर भी हम स्वयं अपने नियमों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुसत्ता सर्वोच्च है, एक राज्य के अंदर प्रभुसत्ता सर्वोच्च है, और यदि उसको किसी के अन्य आदेश को मानना होता है तो इसका मतलब है कि वो उससे भी सर्वोच्च संप्रभुता है। चिर भोगिता जो इसकी आखिरी विशेषता है, संप्रभुता को क्या कहा जाता है? चिर भोगिता। लंबे समय तक इसका उपभोग किया जाता है। तो इससे तात्पर्य है कि राज्य यदि किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रभुसत्ता का एक लंबे समय तक प्रयोग नहीं करता, तब भी इसका परिणाम ये नहीं निकलेगा कि उसकी प्रभुसत्ता का उसके क्षेत्र पर अंत हो गया। निरंतर उपभोग में न लाने पर भी राज्य का सर्वोच्च शक्ति उसमें निहित रहती है। राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे नहीं करे, प्रभुसत्ता बनी रहेगी जब तक वो स्वतंत्र है। तो प्रभुसत्ता क्या है? चिर स्थायी है, चिर भोग है, लंबे समय तक इसका उपभोग किया जाता है। अब हम देखते हैं संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता शब्द का प्रयोग हमने आपको बताया कि विद्वानों के द्वारा विभिन्न उद्देश्य और विभिन्न रूपों में किया गया, उसी के अनुरूप विद्वानों ने संप्रभुता के प्रकार बताए। तो सबसे पहला जो प्रकार संप्रभुता का बताया जाता है वो है आपका औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक और वास्तविक, पहला प्रकार क्या है? औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता। सरकार के जो रूप है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, वहां आपको यह अंतर देखने को मिलेगा कि औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। जहां
संसदीय शासन प्रणाली होती है, ये आपके अगले सेमेस्टर में आएगा। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, भारत ने कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया है? संसदीय शासन प्रणाली। यहाँ हम आपको ये जो सरकार का रूप है पहले ये समझाएंगे। सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार का अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के द्वारा क्या किया जाता है? कानूनों का निर्माण। कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है? जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करती है। अब हम देखते हैं कि ये जो दो अंग है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों के संबंधों के आधार पर, इन दोनों के संबंधों के आधार पर सरकार के दो प्रकार होते हैं, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि ये आगे हमेशा चलेगा। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अब आप भारत में देखते हो कि हमारी नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति।
जब आप राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करोगे तो आप देखोगे कि राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो लेकिन क्या व्यवहार में राष्ट्रपति उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है? नहीं करता। राष्ट्रपति मात्र औपचारिक शक्तियों का प्रयोग करता है, शासन उसके नाम से चलता है, लेकिन राष्ट्रपति व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। जो वास्तविक कार्यपालिका है वो है आपका मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के द्वारा वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। व्यवहार में समस्त शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और ये भेद कहाँ होता है? जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया? क्योंकि हम इसे इसका अनुभव हम प्राप्त कर चुके थे। हमने इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली थी तो हमने इसको देख लिया था कि इसमें किस प्रकार से शासन चलता है। इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पर राजा क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका वहां भी कौन है? वहां की कैबिनेट। तो ये भेद हमको कहां देखने को मिलता है? जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है, जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, वहां ये अंतर नहीं होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहां है? अमेरिका में है। वहां राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं, संविधान के द्वारा उसको जो शक्तियां दी गई हैं, व्यवहार में भी वो उनका प्रयोग करता है। व्यवहार में भी वो उनका प्रयोग करता है। तो ये जो अंतर है ये कहाँ होता है? संसदीय शासन प्रणाली में और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो हमारा भारत का राष्ट्रपति, इंग्लैंड का राजा, वो इसी श्रेणी में आते हैं। दोनों क्या हैं? औपचारिक प्रभुसत्ता उनके पास है। उनके पास क्या है? औपचारिक प्रभुसत्ता। और जो वास्तविक प्रभुसत्ता है वो किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो संप्रभुता के प्रकार है वो तो जो पहले हमने आपको बताया कि भी संप्रभुता आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, उसके बाद अब जो मुख्य प्रकार है संप्रभुता की, भी कितनी प्रकार की हो सकती है। तो हम कहते हैं भाई कि भारत का जो शासन है, कोई भी कानून बनता है भारत में, व्यवस्थापिका के द्वारा किसी भी कानून का निर्माण जब किया जाता है तो उस पर अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां हैं, लेकिन यदि लोकसभा और राज्यसभा दो बार से अधिक, माना एक बार राष्ट्रपति के पास कोई कानून पारित करके और बिल को भेजा गया, राष्ट्रपति एक बार उसे अस्वीकार करके और अपनी टिप्पणी सहित वापस भेज देता है, लेकिन यदि दोबारा भेजा जाता है, तिबारा भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ता है। तो इसलिए राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र की संप्रभुता। राष्ट्रपति के पास वास्तविक अधिकार नहीं है। हाँ, शासन उसके नाम से ही चलता है, शासन उसके नाम से चलता है, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता। राष्ट्रपति सेरेमोनियल
शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे सम्मानित करना, लोगों को सम्मानित करना, अन्य देश से जो हमारे राजनयिक वगैरह आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, उनसे बातचीत करना, उनको सम्मानित करना, सारे सेरेमोनियल्स काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। शासन उसके नाम से चलता है लेकिन वो शासन करता नहीं है। शासन की शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद हम अगली संप्रभुता का प्रकार है विधित और यथार्थ संप्रभुता। ये हम करेंगे शाम की क्लास में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।